सर मैंने एमएमटीसी लिया है फ्राइडे को 75 के रेट से 500 से। और दूसरा भी आपका कोई सवाल है? दूसरा मेरा इरकॉन लिया है मैंने 200 शेयर 150 के भाव से। ठीक है, तो आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है या लंबी? शॉर्ट टर्म एक वीक का। चलिए इस पे एक राय लेते हैं, कुणाल आपसे ही राय लेंगे, एक हफ्ते का इनका नजरिया है और एमएमटीसी की जो ग्रोथ है वो तो सब देख रहे हैं, इन्होंने भी 74 रुपए के स्तर पे खरीदारी की है और बेहतरीन ये स्टॉक चला है। आज भी हम देख रहे हैं कि 4.5% से ऊपर इस वक्त ये स्टॉक है, क्या नजरिया होगा अगर एक हफ्ते के नजरिए से देखें? पहले जरा एमएमटीसी पे राय दीजिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए इस काउंटर में जो हमने रैली देखी चार दिनों में, काउंटर 57.58 से सीधा 87 पहुंच गया है। ट्रेंड तो डेफिनेटली बरकरार है, स्ट्रॉन्गली चल रहा है, बट बिकॉज हमारे व्यूअर का एक शॉर्ट टर्म का नजरिया है, दैट इज ऑफ ओनली वन वीक, एक ट्रेनिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए और वो है 80 रुपीज का। 80 रुपीज के नीचे निकलता है तो काउंटर में से एग्जिट कर लीजिए, और जैसे जैसे काउंटर चलते जाता है एक ट्रेनिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। सी ये सजेस्ट करना फ्रॉम अ वन वीक पर्सपेक्टिव इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ट्रेंड तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, हमें नहीं पता ये कहां जाके रुकेगा, बट एट द सेम टाइम एक छोटी सी गिरावट भी आती है तो हमें एग्जिट लेनी बहुत जरूरी बनेगी। सो एक एज ऑफ नाउ एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 80 लेवल्स का, अगर ये काउंटर आज के दिन फिर से एक नया हाई बनाता है तो ट्रेनिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए 84 का और इसे होल्ड करिए, और जब भी वो ट्रिगर होता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए, अदरवाइज आपके टाइम के अनुसार आप एग्जिट ले सकते हैं, बट ट्रेंड डेफिनेटली बहुत ही बुलिश है।